दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, बेहतरीन हॉस्टल की सुविधा, दिल्ली पब्लिक स्कूल डाल्टनगंज, एडमिशन ओपन। फैशन मॉल अब पाए 1500 तक की जीन सिर्फ 600 में, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। गढ़वा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 3 युवकों के अपहरण की सूचना पर तत्काल गढ़वा पुलिस ने कई जगहों पर नाकेबंदी और छापेमारी कर भंडरिया से तीनों युवकों को और उन्हें अपहरण कर ले जा रहे 16 अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। जब सभी को थाने लाया गया तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल 3 युवकों आसिफ आलम, मोहम्मद कैफ और राजा मंसूरी को किडनैप किया गया था। उसमें एक आसिफ आलम अपने दोनों दोस्तों के सहयोग से जावेद रहमान की बेटी का अश्लील वीडियो बना लिया था और वीडियो भेजकर 60 लाख रुपए की मांग की थी। मामला 5 लाख पर सेट हुआ और वही 5 लाख लेने तीनों युवक पहुंचे थे, जहां जावेद रहमान के साथ इनोवा और 4 स्कॉर्पियो पर सवार 16 लोग तीनों की हत्या की नीयत से अपहरण कर भाग ही रहे थे कि पुलिस ने तत्परता दिखाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। अपहरण में जो शामिल थे 16 व्यक्ति, जो सभी कुसमी जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाने पर लाने के बाद गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक जावेद रहमानी ने बताया कि हमारी बेटी का अश्लील वीडियो आसिफ आलम अपने दो दोस्तों मोहम्मद कैफ और राजा मंसूरी के सहयोग से बनाया था और हमारे मोबाइल पे उसका अश्लील फ़ोटो एवं वीडियो भेज करके 60 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। मामला तय होने के बाद 5 लाख रुपए में बात हुई कि अगर पैसा नहीं दोगे तो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा। इसी के आधार पर इनों के अड़ा महुआ में आने की बात हुई थी। दोनों वहां पे जमा हुए, जहां पे पीपरा गांव से इन तीनों का अपहरण करके भाग रहे थे। इन 6 गाड़ियों में 6 चाकू, लोहे का रॉड 2, मिर्च पाउडर और 3 डंडा भी बरामद हुआ है और अपहृत व्यक्तियों ने बताया कि ये लोग हमें वहाँ पर ले जाकर मार देते हैं।